खाएंगे, लीजिए। चलो भैया, दाने दाने लिखा खाने वाले का नाम। अपनी गाड़ी में ऐसे लेटने का अलग ही मजा नहीं यार, कितना सही लग रहा है। पहली भाई लड़की से बात कर रहा है, खुशी तो देखो तेरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और आज मॉम एंड डैड वाराणसी से वापस आ रहे हैं और मुझे उनके लिए सारे प्रिपरेशन करना है। मतलब घर के पहले तो साफ सफाई करनी, पता ही है जब आप अकेले रहते हो तो घर कैसा हो जाता है, और वैसे ही हो गया है। So I have started my day with my shift as usual. और अब घर के सारे काम करने हैं, तो that is very important. रात में बारिश हुई है but फिर भी पानी डालना है गार्डन में, और ऑस्टिन मेरे पीछे पीछे खेलने के मूड में पूरा, राइट। सो सारी सफाई आज घर की होगी, और आज दिखाऊंगा तुम्हारा भाई कैसे साफ सफाई करता है। ये ले लीजिए अपना, पकड़ लड़की को, पकड़ पकड़। तो स्टार्टिंग सबसे पहले काम करना कपड़े धुल लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्फ यहाँ रख दिया था मैंने। चिच्चा। ओए वाटर फ्लो, ओवर फ्लो हो जाएगा भाई, रुक जाओ पानी निकल जाने दो पहले। खाना खा लो यार, आ जाएगा सब कुछ साफ सफाई में। 1 2 इतने हो गए। मॉम एंड डैड रात में 11 बजे आएंगे, तो I was just planning कि उनको जो डिनर करेंगे ना, आई विल बी गोइंग विथ सम ट्रेडिशनल साउथ इंडियन, लाइक डोसा हो गया, इडली हो गया, विथ मटन आई एम प्लानिंग, एंड ऑफ कोर्स लेमन राइस। सो ये सारे कॉम्बिनेशन रखने के बाद ही करेंगे, बिकॉज जब ट्रैवल करके आएंगे तो उनको अच्छा कुछ खाने का मन करेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न आई जस्ट वॉन्ट टू गिव देम लाइक वेरी गुड, समथिंग वेरी गुड इन फैक्ट। और मुझे भी मटन खाने का बहुत मन है, आज खा नहीं पाया, कल गया था लेने के लिए बट चूंकि बकरी थी तो एक भी शॉप ओपन नहीं था, उन्होंने शाम को बुलाया, शाम को हो नहीं पाया, तो आज जाएंगे अपन खाने, मतलब लेने पहले फिर खाएंगे। बहुत ऊपर है, देर है, इतना कपड़ा धुल दिया, देख रहा पूरा आज धोबी घाट बना दिया घर को। चाहिए जब सारी सफाई हो रही है तो तुम्हारी भी सफाई होगी, कल नहला दी है, बट ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट ऑस्टी, डेली होना ही होना है, उसमें आप भाग नहीं सकते। चलिए ऊपर चलिए, ये आपका औजार आ गया। लल्ला अच्छे बच्चों की तरह आराम से करा लो, आज मैं दिखाता हूँ उसके बाल कितना निकलता है। जो सोचते हैं ना जर्मन शेफर्ड पालने हैं, बहुत इजी है, देखो शेडिंग कितनी होती है, अभी दिखा रहा हूँ, देखते जाना। ये देखो
इतना बाल निकला है। हाँ हाँ दूध आ गया, समझ गया। ये भी इधर भी आ गया। जब तक पोछा नहीं ले जाते एक जगह बैठे रहते, पानी दे दिया हम, ठीक है। अरे हाय इतने कपड़े सुखाने बाबा, इतनी हालत खराब हो गई है। सारा घर का काम एक ही दिन में करने पे, ऊपर से शिफ्ट मैनेज करो, साफ सफाई भी करो। देखो सारे कपड़े वपड़े धुल धल के बराबर, ऑस्ट्री को भी हो गया। अब खाने पे उतरूंगा, खाने आवाज़ बैठ गई रात में कोल्ड ड्रिंक पियो दबा के। तो अभी अपन मटन लेने जाएंगे, एक बार मेड काम कर ले, उसके बाद रेसिपी दिखाऊंगा। रेसिपी नहीं दिखाऊंगा, वो सीक्रेट है मम्मी का, वो नहीं दिखाऊंगा। बट हाँ बन गया है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे बन जाएगा वो दिखाऊंगा। और अभी पीछे पानी डालना बाकी है, जैसे कि मैंने बताया बारिश इधर हुई है, इधर शेड के नीचे बारिश होना बारिश नहीं हुआ है, शेड के नीचे बारिश ऑब्वियस सी बात है नहीं पहुँचा है। तो इधर पानी डालना है और ऊपर पानी डालना है, कल भी डाला था आज भी डालना है। अरे यार मछलियों को आज वो ही दिया मैंने, मछलियों को दाना नहीं दिया। ओए खाली भौंकती रहती है, ऊपर चल, आओ ऊपर, चलो ऊपर 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 छत पे, छत पे छत आ छत पे। बहुत गर्मी भाई, पता नहीं भाई वाराणसी गए उनको कैसे कैसे रह लोगे, इतना ज़्यादा गर्म है यहाँ पर। एक दिन में बारिश का थोड़ा माहौल सा हुआ बट हुआ नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। हर जगह ढूंढ यहाँ रखी हुई होता हूँ। ओए ये नहीं देखना है, आज तो इतना धुल दिया कि घर का डोरमैट भी धुल दिया है। देखो घर कैसा हो गया। ओए ओए क्या खुशबू आ रही है। यह मटन तो ऑलमोस्ट रेडी है, अब बनेगा चावल थोड़ा सभी के लिए, क्योंकि मुझे खाना है रात में, फ्रेश बनाऊंगा बाकी। रात में बनेगा इडली या डोसा, सोचूंगा उसके बारे में। ऑल द हार्ड वर्क्स, अब ऑस्टी के लिए आया है कुछ खाने के लिए। क्या क्या है? बिस्किट, बिस्किट है, हड्डी है। अबे बोल कहाँ गया इसका। न्यू बॉल मिल गया अस्टी को। टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया, अरे घड़ी बन जा भाई, 10:30 और 11 बजे पहुंचने का टाइमिंग था मम्मी पापा की ट्रेन का, बट आधे घंटे पहले आ गई है, आ रही है। सो अभी चौरी चौरा पे थे तब उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि हम आने वाले हैं। अभी मैं पहुंच गया स्टेशन तो अभी भी ट्रेन वही चौरी चौरा पे पड़ी लटकी हुई है। तो एनी विच वे इस गाड़ी में आराम से मज़े करते हैं, मूवी शूवी देखा जा रहा है, चिल है। अपनी गाड़ी में ऐसे लेटने का अलग ही मज़ा नहीं यार, कितना सही लग रहा है। पहली बार ऐसे लेट रहा हूँ क्योंकि किसी का वेट ही नहीं करता हूँ, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो है लाइफ में तो उसका ऐसे वेट करेंगे, तो माँ बाप है माँ बाप के साथ ऐसे वेट कर रहे हैं और ये बेचारा मेहनत कर रहा है। सब अपने अपने काम में लगे हैं यार, ठीक है। बट बेसिकली ये वाली लाइट देखो कितनी प्यारी लगती है ना, मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आई लव दीज लाइट्स यार। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ ना, फिर दिखाता हूँ। ये देखो कितना सही लग रहा है।
और बाहर मौसम में बहुत प्यार हो रहा है, पूरा आंधी आंधी सा आ रहा है, बेचारे सब वेट कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही है मौसम, तो काफ़ी मुझे अच्छा सा लग रहा है वैसे जहाँ तक हो रहा है। भाई लड़की से बात कर रहा है, खुशी तो देखो आज तेरी, ये देखो मेरी गाड़ी के साथ भाई फोटो ले रहा है। सबका ड्रीम होता है यार, मतलब अपने अपने लेवल पे वो करना। तो अभी सेल्फी ले रहा था कार के साथ, जब तो मोम एंड डैड नहीं आ रहे थे, मेरे को भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, मैं कल एक ले ले, तभी मेरी नज़र इस पर गई। ये देखो क्या सही बन गया यार गोरखपुर रेलवे स्टेशन, मतलब ये दूसरी एंट्री है। खाएंगे लीजिए, चलो भैया दाने दाने पलिका खाने वाले का नाम ये अपने लिए था, बेचारा ऐसा देख रहा था। कोई नहीं, जब लिखा होता ना किसी का कि कौन खाएगा कैसे खाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब वो ऐसे देख रहे थे मेरे को, मैंने खुद ही पूछा आप खाओगे, तो बोला आप दे दो मुझे भूख लगी, मैंने कहा ले लो। अब ठीक है मम्मी पापा आएंगे उसके बाद घर जाएंगे, फिर घर पे तो खाना बना ही रखा है, खाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं यार। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि अभी 11:15 हो गया और आज मंडे और कल ट्यूसडे, और अगर आज नहीं खा पाए नॉनवेज तो मम्मी कल नहीं खाएंगी और फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ट्रेन जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में आ जाए, क्योंकि मेरे को 10-15 मिनट यहाँ से लगेगा घर जाने के लिए, और 10-15 मिनट के बाद जाते ही मेरे को फटाफट बनाना पड़ेगा, और आई डोंट वॉन्ट कि वो मटन ऐसे रह जाए और कल ना खा पाए क्योंकि कल ट्यूसडे है। मम एंड डैड की ट्रेन आ गई है गैस, और 11:30 हो गए यार, 10 मिनट में कैसे पहुंच के खाएंगे। अरे यार आधे घंटा ही बचा है। क्या कर, आधे घंटे पहले तो खा सकते नहीं, आधे घंटे में फटाफट पहुंच खाई, उसके बाद फिर करना। मेहनत से जल्दी से टाइम मिल गया,